This news is sponsored by Anugha Beauty Clinic. एडवोकेट सतीश उके के मामले में ईडी हिटलर जैसा व्यवहार कर रहा है। ईडी के अधिकारी खुद को कानून के ऊपर समझ रहे हैं, यह कहना है सतीश उके के एडवोकेट रवि जाधव का, जो मुंबई हाई कोर्ट में सतीश उके का केस संभाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोर्ट में उन्होंने ईडी के चल रहे जांच से सभी मुद्दे उठाए, जिस पर न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए सतीश उके को अपने वकील से मिलने की अनुमति दी है। इस पूरे विषय पर एडवोकेट रवि जाधव का क्या कहना है, देखते हैं। हियरिंग में जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे, ईडी की तरफ से ये कहा गया कि इसमें कई लोगों के स्टेटमेंट लेना है, कि कई लोगों को वो बुला रहे हैं। हमारी तरफ से ये रहा कि ईडी फर्स्ट रिमांड और सेकंड रिमांड सेम कॉपी पेस्ट करके लेके आई है। कुछ मटेरियल रिकॉर्ड पे ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन इनका कहीं रुका है, सब डॉक्यूमेंट्स जो है रिकॉर्ड पर हमने दिया हुआ है, स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड है, और जस्ट टू ड्रैग दिस मैटर वो फर्दर कस्टडी मांग रहे हैं। और इसमें ईडी ने आज की तारीख में एक महत्वपूर्ण बात जो कोर्ट के सामने है कि सतीश उके और उनके ब्रदर ने कहीं पे भी इन्वेस्टिगेशन को कोऑपरेशन नहीं किया, ये बात बोली नहीं है। तो उनका ये मानना है कि हमारी तरफ से फुल कोऑपरेशन है। तो ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो आपने देखा होगा कल और उससे पहले, एक क्लाइंट को मिलने का अधिकार, राइट टू कंसल्ट बाय लीगल कंसल्टेंट, ये भारत के संविधान में भी है, बहुत सारे माननीय उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट में भी है। मगर जिस प्रकार से डे वन से ईडी के ऑफिसर खुद को कोर्ट के ऊपर समझते थे, रूल ऑफ लॉ के ऊपर खुद को वो समझ रहे थे, बाय बॉम्बे हाईकोर्ट छगन भुजबल जी का है, बहुत सारे जजमेंट में है, हमारा राइट टू कंसल्ट कहीं ना कहीं बाधित हो रहा है। और 11 तारीख तक जो पीसी ग्रांट होगी, ईडी कस्टडी ग्रांट होगी, इस दरमियान जब कभी इंट्रोगेशन होगा नॉन ऑडिबल परंतु सी डिस्टेंस पे बैठ के, आप जहाँ से हम देख सकते हैं वैसे हमें वकील को दिया जाए, बैठने दिया जाए। उसी के अलावा एडवोकेट को मिलने का अधिकार जो है आप हमें दीजिए, और डायरेक्शन जैसे मैंने योगेश शर्मा जी ईडी के जो ऑफिसर है खुद को कोर्ट के ऊपर समझ के उन्होंने कल मुझे डिनाई किया, इवन बात करने तक भी उन्होंने डिनाई किया कि क्या कारण है। तो आज कोर्ट ने एक अच्छी बात की और एक न्याय की बात की कि इनको मिलने का अधिकार है और इनको मिलने दिया जाए। तो हर रोज़ हम जब भी इंट्रोगेशन होगा वहाँ ईडी में जा सकते हैं, और उसके अलावा हमारे क्लाइंट से बैठ के लीगल कंसल्ट कर सकते हैं। ये आज के कार्रवाई का जो मेन रिलीफ है हमारे लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिलीफ है। आप जिस प्रकार से देखते हो इस केस में बहुत बड़े लोग इन्वॉल्व है, तीनों केसेस जो सिविल टाइप के नेचर की केसेस क्रिमिनल में कन्वर्ट की गई, एक केस में तो एक्वाइटल ऑलरेडी किया गया, यानी चाचा एक केस फाइल करता है फिर उसका भतीजा एक फाइल करता है। तो ये तीनों केसेस, खैरुन्निसा का जो मामला है उसमें आपने देखा होगा कि निकाहनामा ऑलरेडी, खैरुन्निसा का एक केस में जो 23 तारीख को रजिस्टर्ड होती है उस केस में वो मेन आरोपी है, मुख्य आरोपी है, और 31 तारीख को वही दूसरी केस फाइल करती है, पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करती है। तो ये कहीं ना कहीं सारे मुद्दे हैं, मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा, मगर आज जो संविधान का महत्वपूर्ण मुद्दा था कि राइट टू कंसल्ट विद लीगल कंसल्टेंट, किसी भी आरोपी को उसके एडवोकेट्स को मिलने के लिए रोका नहीं जा सकता है, चाहे वो ईडी हो और कोई भी संस्था हो। तो आज कोर्ट ने वो कंसिडर किया और उस प्रकार से ऑर्डर भी पास की। तथागत ट्रैवल्स एंड ISO 9001:2015 सर्टिफाइड कंपनी, एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क और ISO सर्टिफाइड कंपनी, और मध्य भारत की लोकप्रिय अनुभवी और विश्वसनीय यात्रा कंपनी प्रस्तुत करती है किफायती दर पर शानदार यात्राएं। दर्शनीय स्थल राजस्थान, केरला, कश्मीर, कुल्लू मनाली, शिमला, बुद्धपुर, नेपाल, दार्जिलिंग, गंगटोक, लेह लद्दाख, भूटान, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, श्रीलंका और यूरोप। तो आइए अपनी यात्रा को बनाए और भी खास तथागत ट्रैवल्स के साथ। पैकेजेस में शामिल प्रवास, निवास, एसी, होटल्स, टी, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, वेज नॉन वेज पैक्स, ड्रिंकिंग वाटर और बहुत कुछ। सभी क्रेडिट डेबिट कार्ड स्वीकृत। हमारा पता, राहुल कॉम्प्लेक्स नंबर 1,
एसटी बस स्टैंड के पास गणेशपेट नागपुर। किसी भी तरह के पर्यटन संबंधी समस्याओं के लिए कृपया तथागत ट्रैवल से संपर्क करें। राजा मिश्रा 9373286715।